देखिए हमारी एक ही रणनीति है विकास कराने की, सभी वर्गों में सभी क्षेत्रों में विकास कराएंगे और जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। क्या आपके चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो अनेकों हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं, हम हर समस्या का समाधान करेंगे इंशाल्लाह। मुकाबला किससे है? मुकाबला चुनाव में मुकाबला किससे? मुकाबला बेईमानी से है, धोखाधड़ी से है। अच्छा, बेईमानों से मुकाबला है। तो और जो पार्टी नॉमिनेशन कराए हैं ये सब बेईमान है? मैं किसी का नाम तो नहीं रहता ना। मुकाबला तो प्रत्याशी से है। नहीं, प्रत्याशी से मुकाबला है जी। तो अब ये मैदान में आने के बाद पता चलेगा ना, जब कल हम कूद पड़े मैदान में तो कौन हमारे मैदान में हमारे से आगे आता है, कौन ज़्यादा संघर्ष करेगा, जनता किसको ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। सवाल ये है मेरा कि अभी आपको टिकट हुआ उसके बाद में सपा में कहीं ना कहीं एक विरोध है, उस विरोध का सामना कैसे करेंगे? देखिए कोई विरोध नहीं है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ही सब कुछ है, हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा जोश है, इतना जोश किसी पार्टी के कार्यकर्ता में नहीं है। आप किसको कहते हैं एसी में बैठने वाला? आपने हमें कभी एसी में देखा? हम मजदूर हैं, कार्यकर्ता का हमारा साथ है, व्यापारी सबका हमारा साथ है। हम अगर एसी में बैठेंगे तो एक रुपए का माल निर्यात नहीं कर सकते। हमारा नाम है एक्सपोर्टर, पहले पोर्टर बनता फिर एक्सपोर्टर बनता। हमसे ज्यादा संघर्ष नहीं करता कोई। हमने भी समाजवादी पार्टी को, मजदूर यूनियन है हमारे यहाँ से काम करती हैं। समाजवादी पार्टी को हमने बहुत पहले से कवरेज किया है, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि आप कैमरों से नजर रख रहे हैं, कैमरे के सामने आप नहीं आए। देखिए एक बात सुनिए, हम समाज सेवी हैं और हमारे यहाँ हम इस हाथ से देखे उस हाथ को पता नहीं देते। ये फल है, फल देता अल्लाह ताला। हम कभी चेहरे पे हम कम्बल बांट के फोटो नहीं खिंचवाते। हम ऐसे में जिन लोगों को आप देखते होंगे कि चार कंबल बांटने के लिए फोटो खिंचवाते हैं और गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। सर सपा अंतरकलह के चलते पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी जी। इस बार कांग्रेस अंतरकलह आपने कहाँ देखी? किस पार्टी में अंतरकलह नहीं है? ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, हर आदमी एक घर के अंदर हम रहते हैं। हम चार भाइयों में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का बात मानने न मानने की बात होती है। ये तो हमारा परिवार है और सबसे बड़ा समाजवादी परिवार है। आपका टिकट होने के बाद से ही लगातार अंतरकलह और ज़्यादा, ये सब जगह होती है, हमेशा से शुरू में लोग होते हैं, उसके बाद मुकाबला हमारा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर करेंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।